सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित नई बस्ती पर चला मथुरा जिला प्रशासन का बुलडोजर। बताया जा रहा है कि रेलवे के अधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा नई बस्ती स्थित बन रहे मकानों को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के रहे माकुल इंतजाम। इस दौरान एसडीएम सदर अजय जैन, सीओ सिटी अभिषेक तिवारी सहित पुलिस प्रशासन आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित नई बस्ती पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। जानकारी देते हुए एक अबला नारी ने बताया, श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित नई बस्ती से देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ। इसी दौरान नई बस्ती का वह मंजर याद आया जब जनपद मथुरा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीडी पॉलसन जी के समय नई बस्ती में हुआ था बम धमाका। मथुरा से कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पर आज मथुरा शहर में वो मंजर याद आ रहा है जब मथुरा में जो है तत्कालीन यहाँ पर सीओ सिटी रहे थे मुकुल द्विवेदी, बरेली से आए, तबादला होकर एसपी सिटी बनकर आए मथुरा जनपद के मुकुल द्विवेदी साहब और एसओ फरे संतोष यादव जैसे आला अधिकारियों ने लगा दी अपनी जान की बाजी। जवाहर बाग का मंजर एक बार और हमको कुछ उसके क्षण लग रहे हैं। मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्म स्थान के समीप नई बस्ती है और ये नई बस्ती बहुत लंबे अरसे से नाम है इसका। वो मंजर याद आ रहा है आज मुझे जब तत्कालीन एसएसपी थे मथुरा के बीडी पॉलसन साहब, जब यहाँ पर एक पटाखा जो है धमाका हुआ था और जो है ये नई बस्ती के बारे में हम क्या कहें, ये बहुत जो है नामों में शुमार है और ये वही नई बस्ती है जहाँ पर एक बम धमाका हुआ था। तत्कालीन एसएसपी मथुरा बीडी पॉलसन साहब थे उस समय, मसलन आज यहाँ पर कहर बरप रहा है। प्रशासन के द्वारा इन गरीब तबके के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। आखिरकार सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ और मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सहित प्रशासनिक अमला यहां पर कर रहा है इन आशियानों को उजाड़ने की कार्रवाई। आखिरकार यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये गरीब तबका मार जो पड़ रही है प्रशासन की, उससे इनके जब ये आशियाने उजड़ जाएंगे तो ये लोग अपने बच्चों को लेकर आखिरकार कहां पर जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे ब्रज के लिए जो अधिकारी शहीद हो गए मुकुल द्विवेदी, एसओ फरे संतोष यादव, उनके लिए हम ज़्यादा बाधक न बनते हुए यही कह सकते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही होगा बाकी निशा। आखिरकार ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, गरीब लोगों के आशियाने उजाड़ रहे हैं उनको क्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार क्या उनको उनके आशियाने मुहैया करा पाएगी, ये देखते हैं आगामी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और जो है मथुरा जिला प्रशासन उन लोगों के लिए क्या नई व्यवस्था लागू कर पाएगा। नई बस्ती के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नजर आ रहे हैं। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। और कोई इतला भी ना दी ने, ना कोई खबर दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।